सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोटेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं टेक्नोटेक। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आप अगर एक यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो काफ़ी खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। आज मैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको ये बताएगा जो आपके ऑडियंस है वो कहां से आ रहे हैं, आपकी एक वीडियो कितने रुपए मिल रहा है, आपकी वीडियो पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, आपको कौन कौन कमेंट करता है। तो दोस्तों आप सब कुछ या फिर कहा जाए सारी की सारी नॉलेज ले सकते हैं उस एप्लीकेशन के थ्रू। तो मैं बात कर रहा हूँ क्रिएटर स्टूडियो की। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो काफ़ी बढ़िया काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप यूज़ नहीं करते तो जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें। अगर आप यूट्यूबर हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसको किस तरह से यूज़ करना है, इसमें क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है, किस तरह से इससे सब कुछ जान सकते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो सिंपली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड होने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा जिसका नाम है यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो। जब आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो इसका इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। जब ये स्टार्ट हो जाता है तो इसके अंदर हम अपने YouTube के कमेंट्स देख सकते हैं, कमेंट किस किस ने हमें किए हैं, और हम अपने चैनल के पूरे डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। जब हम इसे क्लिक करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं डैशबोर्ड आ जाता है। डैशबोर्ड के अंदर हम पूरे इसे क्लिक करके डिटेल्स जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। डैशबोर्ड के अलावा इसके अंदर हम अपने यूट्यूब वीडियोज़ के कमेंट्स चेक कर सकते हैं कि किस किस ने हमारी वीडियो पर कमेंट किया है, एंड उसमें कमेंट्स यहाँ पर कोने में शो कर रहा है। एंड डैशबोर्ड के अलावा इसमें हम वीडियो के अंदर वीडियो अपने लेटेस्ट सारी वीडियो देख सकते हैं कि जितनी भी हमने यूट्यूब पर वीडियो डाली है वो सारी वीडियो यहाँ पर शो कर रही है। और इसके अलावा वीडियो में प्लेलिस्ट के अंदर प्लेलिस्ट में जाने के बाद इसके अंदर अपने वीडियोस के फोल्डर बना सकते हो आप कि किस किस टाइप के फोल्डर बना सकते हैं, और उनके आप कमेंट्स चेक कर सकते हो कौन सी वीडियो पर कितने कमेंट किस किस ने कमेंट किए हैं। तो ये पूरी डिटेल्स में शो करती है। और इसके अलावा इसके अंदर आप कमेंट्स बॉक्स भी है, इस कमेंट्स बॉक्स में आप जाकर देख सकते हो। अदरवाइज़ इस ओवरवाइज के अंदर आप पूरे अपने डिटेल्स देख सकते हो कौन सी वीडियो पर कितनी बार व्यूज़ किया गया है, कहाँ कहाँ व्यूज़ किया गया है, एंड टाइम मिनट देख सकते हो वीडियो को कितनी बार मिनट, एंड आप यहाँ पर अपना कॉस्टिंग देख सकते हो कि वीडियो को कितना वीडियो ने कितनी कमाई कर रही है, और एंड टॉप वीडियोज़ पर सबसे ज़्यादा किस पे व्यूज़ आए हैं। इसके अलावा और सारी इस करने के बाद एंड रिवेन्यू में जाकर आप अपनी वीडियो को देख सकते हो कि आपने किस वीडियो पर कितने रुपये कमाए हैं। और इसमें डिस्कवरी में जाने के बाद आप यहाँ पर देख लो कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर इस वीडियो को देखा गया है, और कहाँ सबसे ज़्यादा किस वीडियो को देखा गया है, और सबसे ज़्यादा सर्च किस वीडियो को किया गया है, एंड टॉप कंट्रीज़ भी इसी में शामिल है कि कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा देखा गया है। इसमें इस मेरी वीडियो में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला देश है इंडिया 88.1%, एंड मेरी अधिकतर वीडियो हिंदी में शो करती है। एंड इंटरफेस कॉन्टैक्ट के अंदर आप देखें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा टॉप क्वार्ट के अंदर मेरा गाना है जो एक स्टेटस है, इसे सबसे ज़्यादा बार देखा गया है। और इसके अलावा इस YouTube क्रिएटर के अंदर बहुत कुछ है जिससे आप अपना YouTube को चला सकते हैं। इसे चलाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही सुलभ एंड लाभदायक है, इसलिए जितने भी मेरी राय है जितने भी यूट्यूबर हैं उन सभी के लिए सबसे बेस्ट ऐप है जो यूट्यूबर हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इसे डाउनलोड कर लें। और मेरा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।